आयुध निर्माणीतील ज्या उत्पादनाच्या भरोशावर देशानं अनेक युद्ध जिंकलीत, त्याच आयुध निर्माणीचे निगमीकरण करण्याचा सरकारनं निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात देशातील 41 आयुध निर्माणीतील जवळपास 1 लाख कर्मचारी 20 ऑगस्टपासून 1 महिना बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती मजदूर युनियन OF चांदाचे अध्यक्ष शीतल वालदे, महासचिव सुनील चौधरी यांनी खासदार बाळू धानोरकर यांच्या भद्रावती येथील कार्यालयात आयोजित बैठकीत दिली. आयुध निर्माणीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 1 महिन्याचा संप होतोय. देशातील मान्यताप्राप्त 19 ट्रेड संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आवाज उठवला असून आयुध निर्माणी वाचवा, जनजीवन सुरक्षित करा असा नारा दिलाय. 1 ऑगस्टला संपाबाबत प्रशासनाला नोटीस देण्यात येणार असून 20 ऑगस्टपासून पहिल्या टप्प्यात 1 महिन्याचा संप करण्यात येणार आहे. 1 महिनाभर कर्मचारी आयुध निर्माणीपासून दूर राहून शासनाला आपला विरोध दर्शवणार आहेत. या संपाला अनुसरूनच प्रत्येक आयुध निर्माणीमध्ये प्रवेशद्वाराजवळ विरोध प्रदर्शनं सुरू झाली आहेत. भारत सरकारची रक्षा स्वामित्ववाली संस्थाएं बनी रहे. हम भारत सरकार की सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए, रक्षा सैनिकों के लिए, स्टेट और जितनी भी राज्य सरकार है उनके पुलिस के लिए भी, या जितनी भी सुरक्षा वाली संस्थाएं हैं, या पुलिस विभाग हो या CRPF हो, नेवी हो, आर्मी हो, सभी को हम यहां से गोला बारूद सप्लाई करते हैं, उनके दूसरे भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, उनके साजो सामान सप्लाई करते हैं. ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण हो जाने के बाद ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों के भविष्य में बहुत खतरा रहेगा, यहाँ के कर्मचारियों पर बहुत खतरा रहेगा, भद्रावतियों के निवासियों के व्यापारियों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है. सभी तरह के विकास रुक जाएंगे, सभी तरह के काम रुक जाएंगे. इसलिए ऑर्डनेंस फैक्ट्री चांदा, मजदूर यूनियन चांदा, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के साथ में सभी फेडरेशन INDWF, BPMS, सिड्रा और पूरे द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट और एक साधारण कर्मचारी से लेकर सब तक उत्कृष्ट कर्मचारी तक सभी कॉर्पोरेशन का विरोध कर रहे हैं. हम भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आग्रह करते हैं कि ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण नहीं किया जाए.